तो दोस्तों, जैसा कि हमने स्मैकडाउन देखा कि रोमन रीन्स ने जेवियर वुड के क्राउन को छीन लिया और अब रोमन रीन्स बन गए किंग रोमन। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रीन्स को किंग रोमन क्यों बनाया, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि रोमन रीन्स आखिरकार किंग रोमन क्यों बने। स्मैकडाउन में रोमन रीन्स वर्सेस जेवियर वुड का 1-on-1 मैच हो रहा था, लेकिन इस मैच से पहले रोमन रीन्स ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को चौंका दिया। कहा कि आज स्मैकडाउन में वो जेवियर वुड को हरा देंगे और जेवियर वुड को मजबूर कर देंगे उनके सामने झुकने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया और रोमन रीन्स जेवियर वुड से हार गए तो रोमन रीन्स जेवियर वुड के सामने झुकेंगे। मैच हारने के बाद भी रोमन रीन्स ने अपनी नी को बेंड नहीं किया तो रोमन रीन्स डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन को छोड़कर चले जाएंगे और अपने टाइटल को भी छोड़ देंगे। फैंस ये सोचने लगे कि क्या सच में ऐसा होगा, रोमन रीन्स अपने टाइटल को छोड़ देंगे। और उसके बाद हुआ रोमन रीन्स वर्सेस जेवियर वुड का मैच और इस मैच में जेवियर वुड जीतने वाले थे, तभी जे उसोज और जिमी उसोज ने आके जेवियर वुड के ऊपर अटैक कर दिया। जिमी उसोज और जे उसोज के अटैक करने के बाद जेवियर वुड ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ जीत गए। अब सबको एक बात का इंतजार था कि क्या रोमन रीन्स अपने नी को बेंड करते या वो स्मैकडाउन से चले जाएंगे। रोमन रीन्स ने अपने नी को बेंड किया, लेकिन उसके बाद जे और जिमी उसोज ने रोमन रीन्स को क्राउन पहना दिया। रोमन रीन्स ने यहाँ पर एक चाल चली, रोमन रीन्स ने सिर्फ ये कहा था कि वो अपने नी को बेंड करेंगे। रोमन रीन्स ने कभी ये नहीं कहा था कि वो अपने नी को जेवियर वुड के सामने बेंड करेंगे। रोमन रीन्स ने अपने नी को बेंड किया और उसके बाद जिमी और जे उसोज ने रोमन रीन्स को क्राउन पहना दिया और अब रोमन रीन्स यूनिवर्सल चैंपियन के साथ साथ बन चुके हैं किंग रोमन। सवाल ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा क्यों किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आखिरकार रोमन रीन्स को किंग रोमन क्यों बनाया। अब मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा क्यों किया। देखिए दोस्तों, सर्वाइवर सीरीज आ रहा है और सर्वाइवर सीरीज में रोमन रीन्स वर्सेस बिगी का मैच हो रहा है और बिगी है द न्यू डे का हिस्सा, तो इसलिए रोमन रीन्स द न्यू डे को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि रोमन रीन्स और बिगी के मैच को एक हाइप मिल सके और सर्वाइवर सीरीज में इन दोनों का मैच एक गजब मैच बन सके और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सके। की दुश्मनी को हाइप देने के लिए पहले द न्यू डे और द उसोज की दुश्मनी करवाई गई। मैकडाउन में रोमन रीन्स ने जेवियर वुड से उनका क्राउन छीन लिया और रोमन रीन्स बन गए न्यू किंग। रोमन रीन्स को न्यू किंग बनाने के पीछे यही रीजन था कि रोमन रीन्स और बिगी के दुश्मनी को हाइप मिल सके, इंटरेस्टिंग बन सके। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में रोमन रीन्स वर्सेस बिगी के मैच में कौन जीतेगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा चांस तो ये है कि इस मैच में रोमन रीन्स बिगी को हरा देंगे और इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रीन्स को कुछ ज्यादा ही पुश दे रही है और रोमन रीन्स 2022 से पहले अनडिफीटेड है, यानी कि ये न्यूज काफी बार आ चुकी है कि 2022 से पहले रोमन रीन्स हार नहीं सकते और रोमन रीन्स 2021 के सारे मैचेस जीतेंगे। ब्रॉक लेसनर, ब्रॉक लेसनर ने ये अनाउंस कर दिया कि वो 10 दिसंबर 2021 को रिटर्न आ रहे हैं स्मैकडाउन में और अब ये भी न्यूज आ रही है कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रीन्स का मैच रॉयल रंबल में होगा। लेकिन अगर रोमन रीन्स बिगी से हार जाते तो रोमन रीन्स कमजोर दिखेंगे, तब रोमन रीन्स और ब्रॉक लेसनर के मैच को हाइप कैसे मिलेगा। तो इसलिए रोमन रीन्स और ब्रॉक लेसनर के मैच को हाइप देने के लिए रोमन रीन्स का बिगी को हराना जरूरी है। दोस्तों, यही दोनों रीजन है जिसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रीन्स सर्वाइव सीरीज में बिगी को हरा देंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि रोमन रीन्स सर्वाइव सीरीज में बिगी को हरा पाएंगे या नहीं। और कमेंट में ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।